तक पहुंचे थे पिछली क्लास में, कैसे लेटर डिफ्यूजन शुरू करना था, डेफिनेशन बता दी थी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण, सुगम विसरण, डेफिनेशन क्या बताई थी इसकी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वैसे पूरा समझा चुका हूँ, एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन जो झिल्ली के माध्यम से होता है, झिल्ली में उपस्थित कुछ स्थिर प्रोटीन चैनल। नॉर्मली ये प्रोटीन अपनी जगह पर घूर्णन कर सकते हैं, बट एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं, फिक्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो रोटेट कर सकते हैं बस ऐसे, ठीक है। और इन प्रोटीन चैनल के माध्यम से कौन से प्रकार के मॉलिक्यूल का विसरण होगा? कौन सा? हाइड्रोफिल, जल में घुलनशील, जल रागी मॉलिक्यूल, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसके कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान रखें, डेफिनेशन तो खैर लिख ही ली थी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये ध्यान रखेंगे। जितनी भी जैव झिल्लियाँ हैं, बायो मेम्ब्रेन जिनको हम कहते हैं, जैव झिल्लियाँ किसकी बनी होती हैं? लिपिड व प्रोटीन, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। जो लिपिड में घुलनशील पदार्थ होते हैं, लिपिड सॉल्युबल पदार्थ, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस आसानी से झिल्ली से निकल जाते हैं, किंतु जल में घुलनशील पदार्थ जिनको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक, आसानी से नहीं निकल पाते। अतः इनके परिवहन को झिल्ली के प्रोटीन चैनल द्वारा सुगमित किया जाता है। एसिलेटेड डिफ्यूजन या सुगम विसरण की आवश्यकता हमारी झिल्लियों के नेचर की वजह से होती है। जैव झिल्लियाँ यानी कि कोशिकाओं में मिलने वाली झिल्ली, कोशिका झिल्ली कह सकते हो, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और इसीलिए जितने भी लिपिड में घुलनशील पदार्थ हैं वो आसानी से झिल्ली से निकल जाते हैं, यही बताया था। किंतु जो जल में घुलनशील हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं वो आसानी से नहीं निकल पाते हैं, और इनके परिवहन को ही हमें फैसिलिटेट करना पड़ता है, सुगमित करना पड़ता है, किसकी मदद से? प्रोटीन चैनल की, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रोटीन है जो एक टनल, एक सुरंग की भांति एक चैनल बनाते हैं वहाँ से। ये प्रोटीन चैनल जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या ये सांद्रता प्रवणता विकसित करते हैं? प्रोटीन चैनल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता विकसित नहीं करते हैं, तो फिर कैसे गति होगी? ये प्रवणता विकसित नहीं करते हैं बल्कि सांद्रता प्रवणता पहले से उपस्थित होनी चाहिए। कंसंट्रेशन का डिफरेंस तो पहले ही होना चाहिए, ये तो केवल एक रास्ता दे रहे, ठीक है, बल्कि प्रवणता पहले से उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटीन चैनल नहीं बनाएगा, चैनल सिर्फ मार्ग प्रदान करेगा, ओके। और कंसंट्रेशन का अंतर तो पहले से अलग से होना ही चाहिए, बस केवल आसानी से जा सके इसलिए रास्ता दे रहे हैं। इसके अलावा मैंने इसमें तीन बातें और बताई थी जो सामान्य विसरण में नहीं थी, तीन चीज़ें मैंने कहा था ना जो विसरण से अलग है। पहली चीज संतृप्तता, याद है, जब समस्त प्रोटीन चैनल परिवहन में व्यस्त हो जाएंगे तब परिवहन की दर नियत हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? संतृप्त बिंदु, समझ गए? तो इस परिवहन में संतृप्त बिंदु आएगा। और क्या बताया था? दूसरा, कार्य में या परिवहन के इस कार्य में विशिष्टता है, प्रोटीन चैनल कुछ विशिष्ट मॉलिक्यूल को ही जाने देगा, सबको जाने नहीं देगा। और तीसरी बात क्या थी? क्योंकि ये मार्ग प्रोटीन से बन रहा है और प्रोटीन को कई और मॉलिक्यूल द्वारा संदमित किया जा सकता है, उसकी संरचना बिगाड़ी जा सकती है, इस सुरंग को बंद किया जा सकता है, ठीक है। अतः उन मॉलिक्यूल को चूंकि ये परिवहन रोक रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? संदमक। तो संदमकों के प्रति संवेदनशीलता किस में होगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि सामान्य विसरण में नहीं होती। तो तीन बातें और ध्यान रखनी है इसके अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। पहली चीज तो ध्यान रखना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है सुगम विसरण, संतृप्त बिंदु, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट,
सैचुरेशन पॉइंट संतृप्त बिंदु दर्शाता है। संतृप्त बिंदु किसे कहेंगे? वह अवस्था जब सारे प्रोटीन चैनल परिवहन में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में परिवहन की दर नियत हो जाती है। तो संतृप्त बिंदु पर परिवहन की दर नियत हो जाती है, क्योंकि अब और प्रोटीन चैनल उपलब्ध नहीं है, सारे प्रोटीन चैनल परिवहन में शामिल हो जाते हैं। सुगमित विसरण परिवहन में अत्यंत विशिष्ट होता है, विशिष्टता का मतलब क्या है? जैसे हाईली स्पेसिफिक होता है। तीसरी और अंतिम बात क्या थी? सुगम विसरण संदमुखों के प्रति संवेदनशील होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सैचुरेशन पॉइंट दर्शाता है, अत्यंत विशिष्ट होता है और संदमकों के प्रति सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को आपको एक डायग्राम से भी समझाया जा सकता है। आपने देखा होगा झिल्ली जो होती है लिपिड के दोहरे स्तर से बनी होती, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ फैले रहते हैं। ये मान लीजिए जैसे मेम्ब्रेन, ये जो है ये क्या बनाया अपन ने? प्रोटीन चैनल, ठीक है। ये अपनी जगह पे रहेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? ऐसे रोटेट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन, जगह छोड़ के नहीं जाए। अब मान लीजिए किसी पदार्थ का कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर अधिक सांद्रता है और अंदर उसकी कम सांद्रता है, तो ये पदार्थ बाहर से अंदर जाएगा, तो ये क्या करता है? सबसे पहले आकर के ये यहाँ आया, यहाँ लगा, उसके बाद ये इधर निकल आएगा। अब इसके दो तरीके हैं। कुछ प्रोटीन चैनल ऐसे होते हैं जिसमें रास्ता है अपने आप ही इधर आ जाए। कई बार प्रोटीन चैनल क्या करते हैं, इधर मॉलिक्यूल लगा, अब ये घूम जाता है, तो ये हिस्सा इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये अंदर छोड़ देता है। दोनों तरह से प्रोटीन चैनल अपने अक्ष पर रोटेट हो सकता है, घूर्णन कर सकता है, और नहीं तो वो एक रास्ते की तरह भी इसको जाने दे सकता है। ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन चैनल होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक चैनल बनता है और मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं, ठीक है। तो प्रोटीन चैनल होते हैं, प्रोटीन चैनल ध्यान रखिएगा अपने अक्ष पर घूर्णन कर सकते हैं, अपने एक्सिस पर ये घूम सकते हैं। तो इस तरह से आराम से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो जाता है मेम्ब्रेन के। क्या यहाँ मॉलिक्यूल लिपिड के संपर्क में आया? नहीं आया, लिपिड के संपर्क में आया ही नहीं। वैसे भी ये मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, लिपिड के संपर्क में आने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, इन प्रोटीन चैनल का एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमें एनसीईआरटी देती है, पोरिंस। पोरिंस कहीं पढ़ा? अगर तरीके से पढ़ा होगा तो दो जगह तो कम से कम आया ही। एक जब बैक्टीरिया पढ़ाया गया होगा किंगडम मोनेरा, और कोशिका में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड पढ़ते हैं तब भी आया। माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों की बाहरी झिल्ली में, वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं होते हैं, तो जो बाहरी झिल्ली होती है उसमें बड़े बड़े छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं जिनको पोरिन कहते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया की भी जो भित्ति होती है, झिल्ली होती है, उसमें भी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा पोरिंस जो होते हैं ये प्रोटीन के बने बड़े बड़े छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक व बैक्टीरिया बाहरी झिल्ली में पाई जाती, बाहरी झिल्ली में उपस्थित होती। तो दरअसल पोर, अंग्रेजी में पोर का क्या मतलब है? छिद्र। पोर से ही बना है पोरिन, मतलब ये छिद्र जैसे बड़े बड़े संरचनाएं हैं और ये प्रोटीन से बनी होती है। इस पोरिन का हमें एक एग्जांपल मिलता है वाटर चैनल। पोरिन में जल के आने जाने के लिए वाटर चैनल बनती है। वाटर चैनल एक प्रकार का पोरिन, और पोरिन दरअसल क्या है? इन प्रोटीन चैनल का एक उदाहरण है वाटर चैनल, जो आठ एक्वापोरिन से बनती है। वाटर चैनल बनती है जो आठ एक्वापोरिन से बने, एक्वापोरिन वही पोरिन, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आठ एक्वापोरिन से मिलकर के एक वाटर चैनल बनती है। पोरिन का एक उदाहरण, ये पानी के आने जाने के लिए रहती है मुख्य रूप से पोरिंस, और पोरिंस में भी वाटर चैनल एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पोरिंस या यूं कहें प्रोटीन चैनल के थ्रू जब परिवहन होता है ना, ये परिवहन दो तरह का, परिवहन के प्रकार दो प्रकार का कैसे? अक्सर ये देखा गया है कि इन प्रोटीन चैनल से
दो स्थिति हो सकती है कि या तो एक बार में एक मॉलिक्यूल ही जाए या फिर एक साथ दो मॉलिक्यूल जाए। दो प्रकार क्या होंगे, एक बार में अगर एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है, चाहे वो बाहर से अंदर जा रहा है अंदर से बाहर, लेकिन एक बार में एक मॉलिक्यूल जा रहा है, इसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। यूनि का मतलब होता है एक, समझ गए। एक साथ जब दो जाते हैं तो फिर उसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट, को का मतलब होता है साथ साथ। लेकिन एक साथ जब दो जाएंगे तो स्थितियां दो होंगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं, दोनों एक ही दिशा में जा सकते हैं। हो सकता है एक बाहर से अंदर गया उसी टाइम दूसरा अंदर से बाहर आ गया, ये विपरीत दिशा में गए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक गया उसके पीछे पीछे दूसरा भी चला गया, दोनों एक ही दिशा में चले गए, तो इसको ये एक दिशा में जाएंगे। तो को ट्रांसपोर्ट में दो प्रकार हुए, विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या बोलेंगे एंटी पोल, समान दिशा में जाएंगे सेम पोल, समझ रहे। एक्चुअली देखिए ये कब होता है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन वगैरह में काम आए। एक कोशिका के ऊपर ध्यान रखना, कुल चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, मतलब वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। कोशिका पर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं। मान लो एक कोशिका ने बाहर से के प्लस आयन उठाया, तो वो तो जीरो चार्ज था उसके ऊपर, बाहर से उसने क्या ले लिया के प्लस, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना उस, तो ऐसे थोड़ी वो चार्ज रूप में नहीं रहे, अब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो दो रास्ते हैं कि अगर आपने एक पॉजिटिव बाहर से लिया है तो एक काम करो अंदर से एक पॉजिटिव को बाहर निकालो। तो कई बार कोशिका मान लो के प्लस बाहर से लिया तो एच प्लस बाहर निकाल दी, तो चार्ज बराबर होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीपोल। कभी कभी बाहर अंदर से बाहर निकालने के लिए कुछ ही नहीं, के प्लस लिया है जाने वाला कोई नहीं है, तो एक काम करो सी एल माइनस भी उठा लो, पॉजिटिव लिया है नेगेटिव भी ले लो, तो चार्ज वापस क्या हो जाएगा न्यूट्रल, समझ रहे। तो दो प्रकार की स्थितियां होती है, वो एंटी पोर्ट और सिम पोर्ट दो तरह से। तो परिवहन के जो प्रकार है ये कितने प्रकार हुए, पहले तो दो प्रकार, दो प्रकार में पहला कौन सा है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट जब एक बार में केवल एक मॉलिक्यूल या एक आयन का परिवहन हो, एक बार में एक मॉलिक्यूल या एक आयन का परिवहन हो तो उसे कहते हैं यूनिपोर्ट। और दूसरा होता है को ट्रांसपोर्ट, जब एक साथ दो मॉलिक्यूल या दो आयन का परिवहन हो, दो आयन का एक साथ परिवहन हो को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट पुनः दो प्रकार का होगा, एक होगा एंटीपोर्ट, जब दोनों मॉलिक्यूल या आयन विपरीत दिशा में परिवहन करे, अगर विपरीत दिशा में परिवहन करे एंटीपोर्ट, और दूसरा सिमपोर्ट, जब दोनों आयन या मॉलिक्यूल समान दिशा में परिवहन करे। डायग्राम से भी दर्शा सकते हो इस तरह से, यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट। आयन कोई भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर आयन आया यूनिपोर्ट, एक आया दूसरा बाहर गया, विपरीत दिशा में जा रहे एंटीपोर्ट और समान दिशा में सिमपोर्ट। अब वो K प्लस सी एल माइनस एच प्लस, वो आयन कोई भी हो सकता है, जनरल चीज ही रहेगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि प्रोटीन चैनल के थ्रू हो रहा है, ये तीन तरह से हो सकता है। परिवहन के प्रकार में विसरण और सुगम विसरण के बाद तीसरा प्रकार बताया था सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कम दूरी के जो परिवहन है उसमें तीन तरीके हैं, विसरण द्वारा हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा हो सकता है, या फिर सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखिएगा विसरण और सुगम विसरण में ऊर्जा कोई खर्च नहीं हो रही है बाहर से, इसलिए वो पैसिव प्रोसेस है, निष्क्रिय कार्य माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कोशिकाओं में पौधों में ऐसी भी स्थिति आती है कि सांद्रता ऑलरेडी अपने पास ज़्यादा ही है, फिर भी हमें मॉलिक्यूल को लेके आना है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करवानी पड़ती है। अधिक से कम की ओर जाना कहलाता है सांद्रता प्रवणता की दिशा में गति करना, और इसीलिए वहाँ कभी ऊर्जा नहीं चाहिए, अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर आप अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी चीज़ को लेके आओगे तो ये क्या कहलाता है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत, पहाड़ पर चढ़ना और पहाड़ से उतरना, जानते हो अंग्रेजी में उसको कहते हैं डाउन हिल अप हिल, ठीक है, शिखरों पर ही गति, शिखर की ओर गति करना,
इसको क्या बोलते हैं, अपहिल। अपहिल मतलब हम क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे, कम से अधिक की ओर जा रहे, यही हुआ। तो यहाँ पर भी सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति होगी, तो विपरीत जाना है तो ऊर्जा लगेगी। और दूसरा, ये काम झिल्ली के कुछ गतिशील सक्रिय प्रोटीन की मदद से होगा। तो झिल्ली के गतिशील वाहक प्रोटीन व ऊर्जा एटीपी की मदद से पदार्थों का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, परिवहन करना सक्रिय परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी भी लगेगी और वाहक प्रोटीन भी काम आएगी। इन वाहक प्रोटीन को ध्यान रखिए, इनको एक नाम और दिया जाता है, ये जो गतिशील वाहक प्रोटीन है इन्हें और क्या कह सकते हैं, पंप। इनको क्या कहते हैं, पंप भी कहते हैं। पंप समझ में आया क्या है, पंप करने का मतलब यही, ऊर्जा खर्च कर रहे हो कम से ज़्यादा की ओर पंप कर रहे हो, इनको और क्या बोलते हैं, पंप। उन वाले देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन काम आए, वो भी झिल्ली के प्रोटीन, लेकिन वो अपनी जगह फिक्स हैं, वो पंप नहीं कर रहे, वो तो केवल रास्ता दे रहे हैं। ये क्या है, ये पंप करते हैं, खुद गतिशील है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह झिल्ली में आते जाते, बाहर से पकड़ के अंदर ले आएंगे, अंदर से पकड़ के बाहर छोड़ देंगे, तो ये गतिशील है, पंप भी कहलाते हैं। और ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ध्यान रखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है। सक्रिय परिवहन जो है शिखरों पर ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, जबकि दो पहले वाले दोनों को क्या बोलेंगे, डाउनहिल। अपहिल या शिखरों पर ही भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कम से ज्यादा नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, अपहिल ट्रांसपोर्ट। पहाड़, अपहिल, हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़, पहाड़ चढ़ने के समान, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की तुलना करें तो ज्यादा तीव्र गति से कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव की तुलना में अधिक तीव्र गति से होता है, पैसिव की तुलना में अधिक तीव्र होता है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने लास्ट में तीन चीज़ें बताई थी, कार्य में विशिष्टता, संतृप्त बिंदु और संदमकों के प्रति संवेदनशील। ये तीनों इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ प्रोटीन शामिल है, तो प्रोटीन तो यहाँ भी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये तीन बातें कॉमन रहेंगी, बल्कि चार चीज़ें कॉमन है। वहाँ भी प्रोटीन काम आते हैं, यहाँ भी प्रोटीन काम आते हैं। ठीक है, वो भी विशिष्ट है, ये भी विशिष्ट है। और क्या होगा, वो भी संतृप्त बिंदु दर्शाता है, ये भी संतृप्त बिंदु दर्शाएंगे, और वो भी संदमकों से संवेदनशील है, और ये भी, ये चार चीज़ें कॉमन रहती, ध्यान रखना। बस अंतर क्या है, वो निष्क्रिय है, ये सक्रिय है, वो ऊर्जा खर्च नहीं करते, ये ऊर्जा से होगा, मुख्य अंतर यही। ठीक है, तो यहाँ पर भी सैचुरेशन पॉइंट आता है, और वही संतृप्त बिंदु कब आएगा, जब सारे प्रोटीन परिवहन में सम्मिलित हो जाते हैं, तब संतृप्तता आ जाती है। ये तीन चीज़ें यहाँ भी ध्यान रखेंगे, अत्यधिक विशिष्ट, संतृप्त बिंदु और संदमुखों के प्रति संवेदनशील। तो ये तीन प्रकार के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बाकी चीज़ें जो है बिल्कुल सेम है। तो तुलनात्मक रूप से अब तीन चीज़ें हो गई, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन तीनों का पाँच बिंदुओं में एक बड़ी अच्छी तुलना एनसीईआरटी ने करी। तो एनसीईआरटी है तो एक बार निकाल, इसमें आप देखो तीनों परिवहन के माध्यम में एक तुलना दी हुई है। इस टेबल पर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से बुक से ही समझ लें। पांच पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट क्या है पढ़ो जरा, देखो एक तरफ लिखा है विसरण, फिर सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन, तीन कॉलम बना रखे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, झिल्ली प्रोटीन, ये लिखा है। तो विशिष्ट झिल्ली प्रोटीन किस में शामिल हो रहे हैं, विसरण में तो नहीं है, बाकी दोनों में है, वही लिख रखा है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, वर्णात्मकता, मतलब ये वही है विशिष्टता, इसको चाहो तो और आसान भाषा में लिख सकते हो, उच्च विशिष्टता, वर्णात्मकता और विशिष्टता एक ही बात है। तो विशिष्टता भी किस किस में है, डिफ्यूजन विशिष्ट नहीं है, विशिष्टता तब आएगी जब प्रोटीन शामिल हो, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट विशिष्ट होंगे। तीसरा चीज दिया है संतृप्तता, लिखा है। तो सैचुरेशन पॉइंट भी किस किस में आ रहा है, देखो डिफ्यूजन में नहीं, बाकी दोनों में। ठीक है, तीन चीजें तो दोनों में आएगी। उसके बाद शिखर ऊपरी या अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ किस में,
एक्टिव में, आगे वाले दोनों में नहीं होगा। और अंत में एक और जीत क्या दी है, एटीपी की आवश्यकता है। तो खैर दोनों एक ही बात हो गई, आपको हिल में एटीपी की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, पांच पॉइंट ये हो गए, एक छठा पॉइंट और लिख लो, इसी में नीचे लिख दो एक और, एक अंतर और मैंने बताया, संदमकों के प्रति संवेदनशीलता, विसरण में लिख देना नहीं, और सुगम विसरण में और सक्रिय परिवहन में हाँ लिख देंगे, संदमकों के प्रति संवेदनशीलता। ये तो हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के तीन माध्यम हो गए, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें बीच में मैंने डिफ्यूजन प्रेशर डीपी भी बताया था, याद है। चलिए इसके बाद अब हम आएंगे चैप्टर के अगले हिस्से में। अगला हिस्सा क्या है, लंबी दूरी के परिवहन। दो भाग बताए थे, जो कम दूरी और अधिक दूरी वाले। लेकिन अधिक दूरी के परिवहन को समझने से पहले भी कुछ भौतिक क्रियाएं समझनी पड़ेंगी। और अधिक दूरी के परिवहन में दो मुख्य चीजें हैं, उसमें से भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है वाटर, जल। अधिक दूरी के परिवहन में सबसे इंपॉर्टेंट किसका परिवहन होता है, वाटर का। ठीक है, खाद्य का भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा वाटर इंपॉर्टेंट। इसलिए पादप जल संबंध करके अगला भाग दिया है, और कुछ भौतिक प्रक्रियाएं समझाई गई हैं। उन भौतिक प्रक्रियाओं को समझने के बाद हम जल का लंबी दूरी का परिवहन समझ पाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जल से संबंधित भौतिक क्रियाओं पर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा इनसे भी पहले, जैसे अभी हमने यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी झिल्ली लिख रहा है, आगे भी जो हम पढ़ेंगे पौधों और कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, तो झिल्ली तो आनी है, थोड़ा सा झिल्लियों के बारे में आइडिया है कि नहीं, कितने प्रकार की झिल्ली होती है। झिल्ली के आर पार आने जाने की क्षमता के आधार पर चार प्रकार की अवस्थाएं होती है। पहला अपारगम्य झिल्ली, जो किसी को ना आने दे न जाने दे, या किसी से अपना मतलब समझ में आया क्या है, किसी का मतलब कौन, ऐसा नहीं कि कोई भी जानवर घुसा रहा है, ऐसा नहीं। एक्चुअली यहाँ किसी का मतलब यह है विलियन, और विलियन दो चीजों से मिलके बना है, विले विलाय। तो हम इन दोनों के आधार पर बात करेंगे, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। जो झिल्ली अपने में से न विले न विलाय किसी को नहीं जाने दे, तो वो क्या हुई, अपारगम्य। कोई उदाहरण बताओ, अपारगम्य झिल्ली अलग अलग टॉपिक में कई जगह आई होंगी, सोच के बताओ कहाँ आई थी अपारगम्य। है? जब कोशिका भित्ति में कुछ अतिरिक्त जमाव हो जाए, जैसे लिग्निन का जमाव, सुबेरीन का जमाव, क्यूटीन का जमाव, ये सब जो होते हैं ये झिल्ली को क्या, भित्ति को क्या करते हैं, अपार। ये शब्द भित्ति और झिल्ली दोनों के लिए काम आता है। ठीक है, दूसरी हो गई पारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य, मतलब विले विलाय सबको जाने दे, किसी को न रोके। इसका उदाहरण था सामान्य जो कोशिका भित्ति होती है ना, जो सेल्यूलोज की बनी हुई, जो पौधों में सब में ही है, वो हमेशा स्वतंत्र पारगम्य, वो किसी को नहीं रोकती। ठीक है, तीसरी स्थिति आती है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य मतलब सेमी परमेबल, जिसको हम कहते हैं, ये क्या करती है, विले सॉल्यूट को नहीं जाने देती, लेकिन विलायक सॉल्वेंट चला जाता, तो आधे को जाने दे रही, एक को जाने दे रही, एक को नहीं, इसलिए उसको अर्ध पारगम्य कहते हैं। कोई उदाहरण, कई ऐसी हैं, जैसे परचमन झिल्ली होती है, एग मेम्ब्रेन वाली जो झिल्ली होती है, कृत्रिम रूप से भी बनाई जाती है, परचमन झिल्ली, कॉपर फेरिसाइनेट की झिल्ली, नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली, कुछ लोग जानता होंगे, ट्वेल्थ में आती नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, याद है। ठीक है, तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे, आपके जगह जगह काम आएंगे। और चौथा जो होता है वो है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सबसे ज्यादा इसी के बारे में सुना होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य किसको जाने देगी, सॉल्वेंट जाएगा क्या, विलायक जाएगा, और सॉल्यूट नहीं जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा तो अर्ध पारगम्य होगी ना। देखिए, समस्त विलायक एवं कुछ चयनित विलेय उनको भी जाने, तभी तो चयनात्मक हुई। अब चयन करना पड़े, कौन जाने दे, किसको जाना है किसको नहीं जाना, सिलेक्शन, सिलेक्शन के बेस पर होगा। हमारी ज्यादातर जो कोशिका झिल्ली कोशिकांगों की झिल्ली, ये सब क्या है, सारी चयनात्मक पारगम्य। अच्छा, चयनात्मक पारगम्य कभी भी अर्ध पारगम्य बन सकती,
भाई वो सोच रहे अपना तो किसी को भी नहीं जाने देना है, तो विलेज सारे रोक दो, ठीक है। और मान लो एक दो को जाने दे दिया तो वो अर्धपारगमी न होकर क्या होगी, चयनात्मक। इसीलिए हमारी कोशिका झिल्ली जो है ना वो दोनों तरह से काम करती है, डिपेंड करता है कैसी आवश्यकता है। हालांकि पूरी तरह से अर्धपारगमी ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकते, क्योंकि आपको कोशिकाओं में कुछ विलय अणु लाने ले जाने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो चार प्रकार हो गए पूरा अगर हम टोटल में देखें। अगर मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के संदर्भ में बात करूं, कोई भी एक आयन, तो उसके हिसाब से तो झिल्ली दो ही प्रकार की होती है। एक विलय अणु ले लें अगर, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, या तो उसको जाने देगी या तो उसके हिसाब से, तो अगर उसको जाने दे रही है तो उसके लिए तो वो पारगम्य होगी, और नहीं जाने दे रही तो अलग अलग विलय अणुओं के संदर्भ में बात करोगे तो फिर ये चयनात्मक वर्ग कुछ नहीं आता, या तो वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो एक संदर्भ मतलब केवल के प्लस की बात कर रहे हो, तो अगर कोई झिल्ली के प्लस आयन को जाने दे रही और आप उससे पूछोगे भैया झिल्ली कैसी लगी, तो कहेगा पारगम्य यार, अपना कुछ किसी ने नहीं रोका, ठीक है, उसको क्या पता दूसरे को मना कर दिया, समझ रहे। तो विलय के हिसाब से सोचोगे तो फिर या तो कोई पारगम्य है या फिर अपार, और कुल संदर्भ में बात करोगे कौन गया कौन नहीं गया टोटलिटी में, तब फिर चार प्रकार दिखेंगे। ओके, ये प्रकार कुल मिलाकर चार प्रकार है। पहला अपारगम्य जिन, जो विलय विलायक दोनों को ही नहीं जाने दे, इनके अंग्रेजी भी ध्यान रखना, विलय और विलायक, विलय कौन सॉल्यूट, विलायक सॉल्वेंट, ठीक है, वो अपारगम। उदाहरण लिग्निफाइड सेल वॉल, मतलब लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति, सुबेराइज्ड सेल वॉल, सुबेरिन युक्त कोशिका भित्ति, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, क्यूटीन युक्त कोशिका भित्ति, ये सब अपारगम्य में गिनी जाएंगे। लिग्निन युक्त, सुबेरिन युक्त, क्यूटीन युक्त, ये झिल्ली को अपारगम्य बनाते। तो झिल्ली वैसे तो स्वतंत्र पारगम्य होती, झिल्ली या भित्ति स्वतंत्र, जैसे इनका जमाव हो जाता है, जमाव के बाद ये क्या हो जाती, अपारगम्य, ठीक है। दूसरा होगा स्वतंत्र पारगम्य, फ्रीली परमिएबल, जो विलेय और विलायक दोनों को जाने दे, स्वतंत्र पारगम्य। उदाहरण सामान्य जो सेल्युलोजिक सेल वॉल होती है, सेल्युलोज की बनी हुई सामान्य जो कोशिका भित्ति है, वो स्वतंत्र पारगम्य का उदाहरण है। तीसरी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो विलायक को जाने दे लेकिन विलेय को न जाने दे, अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो है एग में से निकाली जाती है, एग के चारों ओर तो एक कठोर आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको अगर HCl के सोडे से तनु विलयन में एसिड में रख दो तो बाहर का वो कठोर आवरण भूल जाता, अंदर एक झिल्ली निकलती, वो पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन। कॉपर फेरिसाइनाइड मेम्ब्रेन कृत्रिम रूप से बनती है, या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन भी कृत्रिम रूप से बनती है, ये सब अर्धपारगम्य झिल्ली है जो विलेय को नहीं जाने देती। चौथा और अंतिम प्रकार है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, जो विलायक को और कुछ चयनित विलेय को निकल जाने दे, जैसे कि सामान्य तौर पर जो कोशिका झिल्ली है, एक नाम और सुना हो आपने टोनोप्लास्ट, कौन सी झिल्ली, रिक्तिकाओं के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है वो टोनोप्लास्ट, वैसे है दोनों एक जैसी, कोशिका झिल्ली और कोशिका के अंदर मिलने वाली कोशिकांगों के चारों ओर की जो झिल्ली है वो सब एक जैसी, तरल मोज़ेक संरचना वाली ये कोशिका झिल्ली टोनोप्लास्ट, ये सब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। लंबी दूरी के परिवहन से पहले पादप जल संबंध, पौधों और जल से संबंधित कुछ भौतिक क्रियाएं हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। क्या जल के बिना जीवन संभव है? बहुत आसान से, जल ही जीवन है। पौधों की बात नहीं करें, पौधों जंतु जो भी जीवित कोशिकाएं हैं, ठीक है,
जल सभी समस्त उपापचय कार्यों में जल की आवश्यकता। देखिए आपका पूरा जो जीव द्रव्य है कोशिकाओं, जीव द्रव्य का सबसे मुख्य घटक कौन सा है? जल, मेन वाटर ही है उसमें। और जल जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, सार्वत्रिक विलायक, ठीक है, जो हर उपापचय कार्यों में चाहिए। और पौधे में तो जल वैसे भी खैर सभी कामों में चाहिए, साथ में जल अवशोषण के माध्यम से ही तो खनिज तत्वों का अवशोषण भी, इसलिए जल और जल का अवशोषण पौधों के लिए बड़ा जरूरी। अब जल की मात्रा पौधों में, एनसीईआरटी कुछ जनरल बातें करती है यहाँ पर, अलग अलग पौधों में जल की मात्रा भी अलग अलग है। कुछ पौधों में जल की बहुत ज़्यादा मात्रा है, कुछ में थोड़ी कम भी होती है, बल्कि एक पौधे के भी विभिन्न भागों में जल की मात्राएं अलग अलग हो सकती। जैसे कुछ पौधे हैं आपने सुना होगा वाटरमेलन, तरबूज, उसमें माना जाता है सबसे ज़्यादा जल होता है, 92% वाटर होता है। वैसे बाकी भी जो शाकीय पौधे हैं उनमें उनका जो शुष्क भार है वो बहुत कम है, बाकी ज़्यादातर जो वजन है वो सब किसका है, वाटर का है, ठीक है। अगर आप एक ताज़ा पौधा उखाड़ो और उसका वजन कर लो, ये कहलाता है ताज़ा भार, और उसको सुखा दो, सुखाने के बाद वजन करो, ये शुष्क भार। देखा गया है कि ताज़ा भार का केवल 10-15% ही होता है शुष्क भार, बाकी 80-85%, 85-90% क्या हुआ, जल ही होता है। तो मतलब काफ़ी बड़ा घटक होता है जल जीवित पौधों और जंतुओं का सबका। अच्छा, पौधे के विभिन्न भागों में बात करें तो जितने भी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, गूदेदार और जो नरम उत्तक होते हैं, उनमें जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन पौधे में कुछ उत्तक ऐसे भी हैं जो थोड़े कठोर हैं, काष्ठीय हैं, काष्ठ होती, उसमें जल की मात्रा काफ़ी कम होती। वैसे पौधे के किस भाग में सबसे कम जल पाया जाता? अरे छाल पौधे का भाग नहीं माना जाता, छाल से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, वो है बीज, केवल 5-10% जल होता है। और देखिए वो इतना कम जल रखने के बाद भी वो सजीव संरचना है, बाकी छाल वाल सब मृत उत्तक क्यों, जीवित भी है और इतना कम जल, सीड में सबसे कम वाटर होता है इसी। और जितना पानी कम रहेगा उपापचय उतना ही धीमा चलेगा या नहीं चलेगा, और जब उपापचय धीमा या नगण्य होगा तभी जो है लंबे समय तक किसी को संरक्षित रखा जा सकता है। बीज अगर लंबे समय तक रह पाता है उसका कारण क्या है, उसमें उपापचय दर अत्यंत धीमी है। और वो दर धीमी क्यों है, क्योंकि जल की मात्रा बहुत कम, समझ में आ रही बात, इस वजह से। बाकी जल की महत्ता तो पौधे के लिए बहुत है, और इसी वजह से आप देखिए पौधा प्रतिदिन अच्छी खासी मात्रा में जल का अवशोषण करता है, बट आश्चर्यजनक रूप से वो जितना जल अवशोषित करता है उसमें से ज़्यादातर का वापस वाष्प के रूप में मुक्त कर देता है, उपयोग बहुत कम लेता है। जितना जल अवशोषित होता है उसका 1% भी काम में नहीं लेता, 99-98% जल तो वापस मुक्त हो जाता है वाष्पोत्सर्जन, फिर भी वाष्प जल अवशोषण करना मजबूरी है, किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ उदाहरण देती है कि जैसे मक्का का पौधा पूरे दिन में करीब 3 लीटर जल का अवशोषण कर लेता है, सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने वजन के बराबर का जल अवशोषित कर लेता है। ये उदाहरण एनसीईआरटी के हैं और ये पूछे जाते हैं, ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि पौधा कितनी तीव्र गति से और कितनी ज़्यादा मात्रा में जल अवशोषण करता है। इसीलिए तो जब हम फसल लगाते हैं तो सिंचाई बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि जल ज़्यादा चाहिए। हालांकि इतना सारा जल जो अवशोषित हो रहा है सारा काम नहीं आता, काम में तो बहुत ज़रा से ही आएगा, लेकिन अवशोषण ज़्यादा करना पड़ता है, और उसकी वजह है वाष्पोत्सर्जन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ओके। तो पादप जल संबंध से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें, ये उदाहरण जो एनसीईआरटी ने दिए हैं इनको ध्यान रखिएगा, जो एक दो चीज़ें बता रखी हैं। फिर जल संबंध की अलग अलग भौतिक क्रियाओं पर आते हैं। पौधों के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, जल जो है समस्त उपापचय कार्यों में उपयोग होता है। सारे उपापचय कार्य जितने भी हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम उपापचय कार्य देखें, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वृद्धि विकास, और भी सारे जितने भी
उपापचय मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, सब में जल आवश्यक होता है, जीव द्रव्य का मुख्य घटक होता है। तो जल जहाँ कोशिकाओं के जीव द्रव्य का मुख्य घटक होता है, वहीं पौधों में जल अवशोषण खनिज तत्वों के अवशोषण में भी मदद करता है। वैसे अलग अलग पौधों में जल की मात्रा अलग अलग होती है, और ये दो उदाहरण हमें एनसीईआरटी देती हैं, वाटरमेलन तरबूज में 92% वाटर, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही वाटरमेलन कर रखा, और कई और जो बाकी शाकी पौधों में भी ताजा भार का 10 से 15% ही शुष्क भार होता है, बाकी सारा क्या होता है, जल। अगर 10 से 15% शुष्क भार है तो जल कितना हुआ, 85 से 90%, ठीक है। तो 80-90% जल तो बाकी शाकी पौधों में वैसे भी होता, वाटरमेलन में थोड़ा और ज्यादा होता है, 90-92% औसतन कहते हैं, ये 95 तक भी हो सकता है, काफी जल होता है इसमें। पौधे के अलग अलग भागों में भी जल की मात्रा अलग अलग होती है। पादप जल संबंध की ये कुछ जनरल बातें हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ ये दर्शाने का प्रयास है कि जल पौधों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी अच्छी खासी मात्रा में पौधों में जल होता है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में पौधे जल का अवशोषण भी करते हैं। अलग अलग भागों में जल की मात्रा अलग अलग होती है, जहाँ हमने कहा कि मृदु और गूदेदार भाग सबसे ज़्यादा जल रखते हैं, वहीं काष्ठीय भाग सबसे कम जल है। हालांकि सबसे कम जल काष्ठीय भाग से भी कम किस में, बीज में होता है। और इसीलिए निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि भी पौधे अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं, किंतु लगभग उतनी ही मात्रा में जल वाष्प के रूप में मुक्त कर देते हैं। वो भी किस प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन। और ये दो उदाहरण जो हमें एनसीईआरटी केवल ये दर्शाने के लिए देती है कि कितना जल अवशोषण करता है पौधा। मक्का का पौधा दिन भर में 3 लीटर जल, सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने वजन के बराबर का जल अवशोषित कर लेता है। अब देखिए, पादप जल संबंध में पौधों द्वारा जल का अवशोषण और उसका परिवहन, जो दो चीज़ें हमें पढ़नी है, उसमें कई भौतिक क्रियाओं का रोल रहेगा, कई भौतिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। जल का अवशोषण कैसे होगा, परिवहन कैसे होगा, उसमें कुछ फिजिकल प्रोसेस काम आते हैं। विसरण भी अपने आप में एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन विसरण एक जनरल है, उसमें गैस तरल द्रव ठोस सबका हो सकता। अब हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, जल लिक्विड की, उसमें भी जल ही है। अब जो भौतिक प्रक्रिया है वो जल पर आधारित, क्योंकि जल संबंध की बात है, और वो हमने लिखा है सबसे पहली जो मुख्य प्रक्रिया कौन सी है, परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, एक प्रकार का विसरण है, मतलब ऑस्मोसिस भी क्या है, डिफ्यूजन है, लेकिन किसका डिफ्यूजन, जल का विसरण, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार अगर जल की गति विसरण के द्वारा हो रही है तो उसी विसरण को क्या बोलेंगे, परासरण। तो बेसिक चीजें सब कुछ विसरण वाली रहे। जल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, उसे ही क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। तो परासरण भी एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ, परासरण भी एक निष्क्रिय कार्य है, जल की सांद्रता प्रवणता की दिशा में होगा, सारी चीजें वही रहेंगी, समझे। और ध्यान रखना, जैसे विसरण स्वतः होता है, विसरण तो स्वतः ही होता है, एक तरफ ज्यादा सांद्रता एक तरफ कम है अपने आप होने लग जाए, ऐसे ही ध्यान रखना परासरण भी स्वतः होता है, लेकिन दो चीजें चाहिए, यह क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा जोड़ दिया इसलिए मैं समझा रहा हूँ। विसरण हो चाहे परासरण हो, ये प्रक्रियाएं स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब स्वतः होती हैं, लेकिन दो कारकों की उपस्थिति में। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी दो परिस्थितियां हैं जो विसरण या परासरण को होने के लिए बाध्य करती, विसरण हो या परासरण हो इसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहला चाहिए सांद्रता का अंतर, दो जगहों पर सांद्रता का अंतर होगा तभी ना गति होगी, ये पिछली बार बता चुका हूं मैं, ऊर्जा का अंतर हो गया एक प्रकार से, ठीक है। तो सांद्रता प्रवणता होनी चाहिए, तब स्वतः ही अपने आप चालू हो जाए। और दूसरी चीज सांद्रता के बाद, हमने जब सांद्रता की बात की थी तो उस समय एक कारक को हमने नियत मान लिया था, वो था दाब। हम ये मान के चल रहे थे कि हम वातावरणीय दाब पर काम कर रहे हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ध्यान रखना दाब का भी अगर अंतर हुआ ना
और अगर सांद्रता बराबर है और दाब का अंतर हुआ तो भी गति हो जाए, दोनों तरफ बराबर मॉलिक्यूल, एक तरफ आपने दाब बढ़ा दिया, क्या हो उच्च दाब से हवाएं चलती है, कैसे चलती सब दाब से तो चल रही, तो ये भी तो एक प्रकार की गति हो रही है, और क्या है। तो दाब प्रवणता, दाब प्रवणता का मतलब है दो जगहों पर दाब का अंतर, और सांद्रता प्रवणता दो जगहों पर सांद्रता का अंतर, ये दो चीजें जब होंगी या इनमें से कोई एक भी अगर होगा तो भी क्या होगा, विसरण भी होगा और परासरण भी होगा। विसरण परासरण एक जैसी चीज है, बस ये है इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, ये झिल्ली के आर पार होगा और जल का होगा। विसरण में कोई झिल्ली नहीं है, कोई केवल जल नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है, वो जनरल चीज है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस जो है ये क्या हुई, ये एक महत्वपूर्ण फिजिकल प्रोसेस, भौतिक क्रिया है जो सजीव तंत्र में व उसके वातावरण में जल की गति के लिए जिम्मेदार होती है। ये भौतिक क्रिया जल की गति के लिए जिम्मेदार है, सजीव तंत्र में भी और तंत्र और उसके वातावरण में भी, जल के आने जाने और जल की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है परासरण। विशिष्ट प्रकार का जल का विसरण है, विसरण डिफ्यूजन, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। तो ऑस्मोसिस वास्तव में एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है, जल का विसरण है जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। परासरण के हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं, जल का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। ऑस्मोसिस की सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति। यहाँ एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो, ये शब्द ध्यान रखो, समझदार को इशारे का भी मैंने पहले ही इसीलिए लाइन साफ साफ लिखे, यहाँ जल की गति, गति किसकी, जल की, तो सांद्रता भी किसकी देख रही, जल की, जल अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि जब आप विलयन लोगे ना, तो एक सांद्रता विलयन की भी होती, और विलयन की सांद्रता किससे बनती, विलयन तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, कम सांद्रता विलयन की, उच्च सांद्रता विलयन की सांद्रता किससे बनती, उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा से, जल की मात्रा से नहीं। लेकिन परासरण हमेशा किसके द्वारा होगा, किसके तरह होगा, जल की अपनी मात्रा से, ठीक है। तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करे, इसी को हम परासरण कहते हैं, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस एक निष्क्रिय कार्य है, ये एक पैसिव प्रोसेस है जो सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है। सांद्रता प्रवणता की दिशा में होने वाला एक निष्क्रिय कार्य, कोई बाहर से ऊर्जा खर्च करने की अभी जरूरत नहीं होती। ऑस्मोसिस दो कारकों की उपस्थिति में स्वतः होने लगता है, बस दो चीजें चाहिए, अपने आप होता है, ये दो कारकों की उपस्थिति में स्वतः होता है। और ये एनसीईआरटी को लिखती ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, किसी काम को करने के पीछे जो जरूरी कारक होते हैं उसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो ऑस्मोसिस के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, ये दो कारक हैं, ये दो कारक कौन कौन से हैं, एक तो है सांद्रता प्रवणता, या इसको आप कह सकते हो विलेय की सांद्रता। सांद्रता प्रवणता किससे तय होगी, विलेय की सांद्रता से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, उसी से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से बनती। और दूसरा है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट
एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये दो प्रवणता होती है जो ऑस्मोसिस को आरंभ करती है। कई बार लैब में ऑस्मोसिस दर्शाया भी जाता है छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा। एक वो पोटेटो ऑस्मोस्कोप का एक एग्जांपल है, उसमें क्या करते हैं आलू को छील के आलू के अंदर एक कैविटी बना देते हैं, एक खड्डा बना देते हैं, और आलू को जो है सामान्य जल के सॉल्यूशन में रख देते हैं और उस खड्डे के अंदर एक शर्करा का विलयन भर देते हैं एक निर्धारित स्तर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो बाहर का जल था वो इस आलू में से होता हुआ अंदर चला जाता है उस खड्डे में, और इसलिए वो विलयन का जो शर्करा के विलयन का स्तर बढ़ जाता है। ऑस्मोसिस को देखने का सबसे आसान तरीका इसको कहते हैं पोटेटो ऑस्मोस्कोप, ठीक है, ऑस्मोमीटर ऑस्मोस्कोप भी कहते हैं। कई बार एक और तरीका बताया जाता है जो आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, एक फनल लेकर के किया जाए, थिसिल फनल, कीप जानते हो? कीप तो देखी होगी। अब उस कीप में एक तरफ जा जिधर उसका चौड़ा मुंह होता है उस तरफ जो है झिल्ली बांध दी जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली, वही पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके अंदर शर्करा का विलयन भर के और उसको पानी के बीकर में खड़ा कर देते हैं। तो अब क्योंकि अंदर शर्करा का विलयन है बाहर जल है, तो जल क्या होगा बाहर से अंदर जाता है तो उस कीप के अंदर भी जल का स्तर बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? तो पराश्रम में भी देखिए कार्य हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, जल की गति हो रही है, कहाँ से कहाँ, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता, यही तो हो रही है। और आप देखिए कितना जल आएगा ये किस बात पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक विलयन है, एक झिल्ली लगाई और इधर शुद्ध जल भर दिया, तो जल कहाँ से कहाँ गति करे? शुद्ध जल से विलयन की ओर। शुद्ध जल में कोई विलय है क्या? लेकिन विलयन में तो है। तो अब विलयन में जल आया, उस अर्धपारगम्य झिल्ली को क्रॉस करके उधर से इधर आया, इस जल को किसने बुलाया? किसने बुलाया है? किसी विलयन में अगर परासरण की वजह से जल अंदर आ रहा है तो वो किसने बुलाया उसको, किसकी वजह से आया, जो समझ लो विलय की वजह से। समझ रहे हो? क्या करते हैं जब हम विलय डालते हैं ना किसी में तो उतनी जल की मात्रा कम हो जाती है, ये तो हुआ। तो वो विलय जो होता है वो जल को बुलाता है, तो बुलाने वाला मनवार कौन कर रहा है? विलय। अब अगर ज्यादा विलय होगा तो ज्यादा मनवार होगी, और ज्यादा मनवार होगी तो ज्यादा जल आएगा, यही तो होगा। और जब ज्यादा जल तो तेज चल के आ रहा है ना, और ज्यादा आया तो जितना ज्यादा जल आएगा उतना ही इस विलयन में वो दाब उत्पन्न करेगा। समझ रहे? कम जल आया तो कम दाब उत्पन्न होगा, ज्यादा आया तो ज्यादा, ठीक है। तो कम जल आना ज्यादा जल आना किस पर निर्भर करा? विलय की मात्रा पर। लेकिन जल की इस मात्रा ने विलयन में एक दाब उत्पन्न किया, पराश्रय की इस क्रिया की वजह से विलयन में जल की गति की वजह से एक दाब उत्पन्न हुआ, उसे को हम कहते हैं पराश्रनीय दाब। समझे? ठीक है, मैं अगली क्लास के लिए भूमिका बना के जा रहा हूँ, बस्ते मत बांधो, ठीक है। मैंने आपको देखिए पराश्रय समझना कोई बड़ी बात नहीं, सभी लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, कोई बड़ा काम नहीं। पराश्रय के जो आगे की चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो पराश्रय के हमने कहा कि ये कारण क्या है, दो। इसमें भी देखिए दाब हम इसलिए नहीं लेते कि हम सारा काम सामान्य एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कर रहे, इसलिए दाब नगण्य मात्र, सब तरफ बराबर ही, हम दाब नहीं बढ़ा। तो अंतर किसका रहा? सांद्रता। किसकी सांद्रता? विलय की, ठीक है। अब आप देखिए विलय खुद नहीं जाता, विलय तो जा ही नहीं सकता ना झिल्ली से, लेकिन वो क्या करता है, जल को बुला तो सकता है। तो जल को बुलाने वाला कौन? विलय। बुलाने वाले जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा जल आएगा, और जितना ज्यादा जल आएगा उतना ज्यादा दाब बनाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसका मतलब पराश्रनीय दाब। देखिए एक दाब और है, मैंने आपको कहा था विसरण के समय भी दाब होता, ठीक है। विसरित होने वाला मॉलिक्यूल जो दाब बना रहा है वो विसरण दाब, तो विसरण दाब हमेशा जाने वाले से होता, जैसे पानी जा रहा है। तो विसरण दाब की जब बात करोगे तो विसरण दाब किसकी मात्रा पर निर्भर करेगा? जल की मात्रा। लेकिन पराश्रय दाब उल्टा है, पराश्रय दाब जल की वजह से नहीं है, विलय ने जितना जल अपने यहां बुलाया उससे जितना दाब उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा? पराश्रय दाब। समझ में आई बात? ठीक है, तो पराश्रय दाब हमेशा नहीं जानने वालों से तय होता है, जबकि विसरण दाब हमेशा जानने वालों से तय होता है। क्लियर? ठीक है,
अब मुझे इस दाम का अंदाजा कैसे होगा? अगर मैं देख रहा हूं कि पराश्रम हो रहा है, मैं इस पराश्रम को रोकना चाहता हूं, क्या करें? जिधर देखिए दाब का एहसास कब होगा, हमें यूं नहीं मालूम चल रहा दाब वास्तव में है। जैसे मान लीजिए शुद्ध जल से विलयन की तरफ जल आ रहा है, ठीक है, हमने विलयन में दाब लगाया बाहर से, अब हम अलग से दबाव ले रहे हैं, तो हमें कितना दबाव लगाना पड़ेगा? जिस हिसाब से जल अंदर आ रहा है उतना ही क्या लगाना पड़ेगा दाब। उस जल की गति को रोकने के लिए, पराश्रम को रोकने के लिए जितना दाब बाहर से लगाया जा रहा है वो दाब पराश्रमी दाब के बराबर किंतु उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? वो वाटर जितना, वो जल आकर के जितना प्रेशर बना रहा था, अगर उसको रोकना है तो उतना ही प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बाहर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पराश्रमी दाब को नापने के दो तरीके हैं, जो आ रहा है उसको मेजर कर लो या उसको रोक करके देख लो, पता चल जाएगा कितना दाब लगा। हमारे लिए पौधों की कोशिकाओं पराश्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण है पराश्रमीय दाब, समझ रहे हो? और वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर या पास्कल में नापा जाता है, उसकी कैलकुलेशन आएगी पूरी और उसी के आधार पर विश्रम और पराश्रम की दिशाएं तय होती हैं। तो आगे की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उल्टा काम कर रखा है, उन्होंने सबसे पहले जल विभव समझाया है, उसके बाद पराश्रम। हम लेकिन उल्टा चलेंगे, हम पराश्रम पहले समझेंगे। अगर हमने पराश्रम और पराश्रमी दाब समझ लिया तो जल विभव बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सबसे मुश्किल काम है जल विभव समझना, ठीक है, उस पर आएंगे। तो पराश्रम और जल विभव अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।